ठीक है टीवी देख लो, राइट। अब ये हमने उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दी कि टीवी देख लो। मुझे आ रहा है गुस्सा कि ये पूरा दिन फैला हुआ रहता है घर और मैं बैठ के मेरी बेटी को डांट रही हूँ। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगी। समझ लीजिए कि मैंने एक कार खरीद लिया। अब ये कार मैं अपने पैसे से खरीद रही हूँ, तो अगर मैं सोच रही हूँ कि ये मेरे पैसे से मैंने खरीदी है तो मैं जिधर चाहे जैसे चाहे चला सकती हूँ। मैं उसको रोड पर लेके जा रही हूँ और वहाँ पर मैं लेफ्ट जा रही हूँ, राइट जा रही हूँ, किसी किसी को ठोक रही हूँ, सिग्नल तोड़ रही हूँ। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। हमें कभी कभी लगता है कि ये लाइफ हमारी है, हम जैसे चाहे वैसे जा सकते हैं, पर डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप घर पर हो, आप ऑफिस में हो, या आप फिर सोसाइटी में कहीं भी हो, अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो बातें बिल्कुल स्मूथली मूव करेंगी, नहीं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आज मैं आपको दो पावरफुल टिप्स बताने वाली हूँ जिसके हेल्प से आप आज से ही आपके बच्चे को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। नमस्ते पेरेंट्स, मैं हूँ सुष्मिता प्रभु, पेरेंटिंग कोच एंड स्पीकर। स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए वीडियो में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो बहुत सारे पेरेंटिंग वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों के लिए बनकर तैयार है। प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते हुए बेल आइकन पर ऑल दबाने से आप मेरे इस ब्यूटिफुल कम्युनिटी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उन पावरफुल टिप्स को आपके साथ शेयर करने से पहले मैं एक बात जो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है पेरेंट्स को समझने के लिए, वही शेयर करना चाहती हूँ। वो है कि आप बच्चों को समझें। देखिए, बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे ही होता है। जब आप बोलते हैं कि बच्चे समझते नहीं हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, तो आप पहले ये समझ लीजिए कि उनका ब्रेन धीरे धीरे ही डेवलप हो रहा है। एकदम से वो उस बात को समझ नहीं पाएंगे, एकदम से वो किसी बात को सुन नहीं पाएंगे। ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मली सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है और उन्हें पूरी तरह से समझने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो वहीं पे आपके पेरेंटिंग के आधे से ज़्यादा चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं। अब जब आप कहीं गए हों और आपके बच्चे वहाँ पे मिसबिहेव करते हैं या बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि उस वक्त आपके बच्चे को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पे आप उन्हें समझा सकते हैं, आप तो समझदार हैं, आपका तो ब्रेन डेवलपमेंट पूरी तरह से हो चुका है, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। आप उन्हें बाद में भी समझा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे उन्हें आपकी ज़रूरत है क्योंकि वो अपने इमोशंस को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब मैं चलती हूँ पावरफुल टिप्स की ओर। सबसे पहला है और वो है सेट द लिमिट्स विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस। इसे एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहती हूँ। जब हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमें टीवी देखनी है, तो हम क्या बोलते हैं? ठीक है टीवी देख लो, राइट। अब ये हमने उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दी कि टीवी देख लो। आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद भी बच्चे टीवी बंद नहीं कर रहे हैं तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हम उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि पता नहीं है, इतना टाइम कोई टीवी नहीं देखता, आंखें फट जाएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, और हम चिल्लाने लगते हैं। खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बच्चों को भी वो फ्रस्ट्रेशन पास ऑन करते हैं। इससे अच्छा अगर आप पहले ही, जब बच्चे आपसे पूछने आ रहे हों कि मम्मी हम टीवी देख लें, तो उस टाइम पर अगर आप उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें और लिमिट्स तय करें, जैसे हाँ बेटा आप टीवी देख सकते हैं लेकिन आधे घंटे के बाद टीवी ऑफ करके हमें पढ़ाई के लिए बैठना है, तो ये हो गए क्लियर इंस्ट्रक्शंस। तो अगर आप आधे घंटे बाद उनसे जाके बोले कि टीवी बंद करो, तो उन्हें याद रहेगा कि हाँ मम्मी ने ये तो बोला था, ये हमें पता था कि करना है, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। आप करके क्यों नहीं देख लेते? जब आप लिमिट्स को सही तरह से सेट करेंगे और उन्हें क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो उनके डेवलपिंग ब्रेन को समझने में बहुत आसानी होगी। ऐसे एक एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ आप उन्हें डिसिप्लिन बना सकते हैं, है ना मज़े वाली बात? एक लाइक तो बनता है इस पर। सेकंड सबसे पावरफुल टिप मैं आपको देने वाली हूँ और वो ये है कि अप्रिशिएट करना है उनके पॉजिटिव बिहेवियर को। अब इसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगी। वैसे थियोरी तो बहुत सारे मैं बोल सकती हूँ, लेकिन समझते बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू ही है हम। अब एक सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ कि घर में सारे टॉयज़ फैले पड़े हुए हैं, जैसे हमेशा ही रहते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो अचानक से मेरा पैर एक टॉय के ऊपर पड़ जाता है और मुझे दर्द होता है। तभी मेरी बेटी आकर मुझसे पूछती है कि अम्मा आप ठीक तो हो, पर मुझे आ रहा है गुस्सा कि ये पूरा दिन फैला हुआ रहता है घर
और मैं बैठ के मेरी बेटी को डांट रही हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि ऐसा करने से आज मुझे लग गई, कल तुम्हें लगेगी, किसी और को लगेगी। समझ में नहीं आता, 100 बार समझा रही हूँ एक ही बात को, क्यों नहीं समझती हो तुम? ऐसे ही करके तुम मेरा दिमाग खराब करती हो, मेरी नींद खराब हो गई है तुम्हारी वजह से, और पता नहीं क्या 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 हम सुना देते हैं। इसके बदले अगर आप सोचें कि इसमें पॉजिटिव क्या है जो आप चुन सकते हैं, मैं आपको बताऊं, बीच में मैंने कुछ कहा, मेरी बेटी ने आके मुझसे पूछा कि मम्मा आप ठीक हो क्या? इन सब के बीच में वो एक पॉजिटिव चीज़ हम नहीं देख सकते कि मेरी बेटी मेरे लिए कंसर्न्ड है, उसने आके एटलीस्ट पूछा। पता है, आप यहाँ पे अगर उसे बढ़ावा नहीं देंगे तो आगे जाके वो कभी नहीं पूछेगी कि मम्मी आप ठीक हो या नहीं, फिर उसको मत डांटना। इसलिए यहाँ पे जब भी आप पॉजिटिव बिहेवियर को देखते हैं, जब भी आपको लगा कि बच्ची ने आके आपसे पूछा, तो आपको जवाब देना है कि थैंक यू बेटा, आपने मेरे बारे में पूछा, आपको मेरी कंसर्न है, थैंक यू। लेकिन अगर आप ऐसे फैलाएंगे घर को, तो ये बहुत लोगों को लग सकती है, आपको खुद को लग सकती है। वहाँ पे आप एक बार कनेक्ट होने के बाद आपके मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना? सही बात। तो यही हम करना भूल जाते हैं, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में हम उनके पॉजिटिव बिहेवियर को नहीं देख पाते। अगर आप उन छोटी छोटी बातों को ढूंढ के उन्हें अप्रिशिएट करने लगेंगे ना, तो फिर डेफिनेटली आपके बच्चे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बिहेवियर दिखाएंगे। अब गलतियों को भुलाने का काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बच्चों के पॉजिटिव बिहेवियर को ढूंढ के उसे अप्रिशिएट करने का काम सिर्फ एक अडोरेबल पेरेंट कर सकता है, और मैं चाहती हूँ हम सब अडोरेबल पेरेंट्स ही बने। जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहती हूँ कि पेरेंटिंग स्टाइल्स तो बहुत सारे हैं, इन सबको याद रखना, उन्हें लागू करना, ये सब डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि पेरेंट्स का काम क्या है, उन्हें प्यार करना बिना किसी कंडीशन के, अनकंडीशनल लव उन्हें देना। और आप समझदार हैं, आप पेशेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप उनके लिए ये करें, आप खुद पेशेंस का प्रैक्टिस करें और बच्चों को भी सिखाएं कि कैसे शांत रहें। ऐसे करने से ही 100% आपके बच्चे डिसिप्लिन में आएंगे। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि इसमें से कौन सी टेक्निक आपने यूज़ की और कौन सा आपके लिए हेल्पफुल रहा। मैं हर एक कमेंट को रीड करती हूँ और आपके क्वेश्चंस का जवाब भी देती हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हैप्पी पेरेंटिंग।